दृश्य में हम अभ्यास करेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान आमने सामने आते हैं। गोटिया संवाद बोलना। नहीं बोले चमन लगाई पगड़ी माजी आणि छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगा कोई और ऊपर से मैं अफजल खान नहीं मैं भोला भाला बालक हूँ। मैं दूर अफजल खान कैसे बनूंगा? मैं नाटिका में भी छत्रपति शिवाजी महाराज पर वार भी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कुछ और सोचा है। हम नाटिका का अंत ही बदल लेते हैं। ऐसे कैसे बदल देंगे? ये तो इतिहास है। ये गणित आई कि ना? मैंने क्या सोचा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का तेज देखते ही अफजल खान उनके पैरों में गिर के उससे क्षमा मांग लेगा। गोटिया भाव ये उनके पैर दबाने लगेगा। गोटिया भाव उनसे फल और मिठाई लाएगा। उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हृदय क्या हो जाएगा? परिवर्तन मन से मन बदल जाएगा। जैसे आई तुझे पहले आचार खाने से मना करती है, पर तेरी रोनी सूरत देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। समझी भी हो? तो क्या अफजल खान भी आचार खाना चाहेगा? कोई तो बताओ। गोटिया भाऊ, अफजल खान इतना दुर्द था कि उसका मन कभी बदल ही नहीं सकता है। ये गोटिया नहीं समझता, पर छत्रपति शिवाजी महाराज समझते थे और अफजल खान से मिलने की बात मानकर भी उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए वाघ नख बनवाया। और हृदय परिवर्तन के लिए हृदय भी तो होना चाहिए ना गोटिया? ए, अफजल खान का नहीं होगा, पर हृदय तो है, और वो हृदय सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के जय जयकार ही कर सकता है। वार नहीं बाजी, मैं भोला भाला बालक गोटिया हूँ, चालू बालू नहीं। हम नाटक कर रहे हैं गोटिया। एक काम कर, तू छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार कर। हाँ, पर मन में मुंह से तू वही संवाद बोल जो चिमना ने लिखे हैं। चिमना नहीं, श्रीमान चिमना जी साहेब ने लिखे हैं। अरे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? कल शिव जयंती है बालक, उसके लिए नाटक का अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। हमारे लिए यही जगह मुनासिब रहेगी। मुगलों के मंसूबे चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, हमारे इरादों से बड़े नहीं हो सकते। आज रात हम इन्हीं की मिट्टी को खोदकर हम उसमें अपनी खास काली मिर्च बो देंगे। छोटी सी चिंगारी और बहुत बड़ा धमाका। शिवाजी महाराज की सालगिरह उनके मुरीदों के मौत का दिन बन जाएगी, और इसके बाद हम सतारा पे करेंगे इससे भी बड़ा वार। मुगल चाहे घृणा के कितने भी बीज क्यों ना बो दे, पर इस मिट्टी पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम के फूल उगेंगे। ये मिट्टी हमारी माँ है और हम माँ पर आज तक नहीं आने देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इंसान ही इंसान के काम आते। बैठिए। आइए आइए। हमारे सामने अगर आप भूखे बैठे रहेंगे तो हमसे भी खाया नहीं जाएगा। खाइए खाइए खाइए, लीजिए खाइए।
मिल बांट के खाना चाहिए। खाइए, सोचिए मत। बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं सोते, और छीन कर खाने वाले कभी चैन से नहीं सोते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। ऊपर वाले ने इन्हें इज्जत और दौलत दोनों दी, और एक नेक दिल देना भूल गए। आपका मालिक आपको बहुत मारता है क्या? तंग आ गया हूं जिंदगी से। कभी कभी तो लगता है सिपाही बन जाऊं। तलवार चलानी आती है तुम्हें? गरीबी ने कुदाल चलानी सिखा दी, जंग तलवार भी सिखा दी। पर अब जंग होती ही कहां है? तारा रानी साहिब के हाथों भैरवगढ़ हारने के बाद तो शहंशाह औरंगजेब खामोश ही हो गए हैं। कोई चुप और कोई खामोश नहीं बैठा। बुड्ढा बड़ा शातिर, वो ऐसे चुप नहीं बैठने वाला। मुझे लगता है वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, बुड्ढा कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। कर ही रहा है। उस दिन नहीं देखा था? उस दिन क्या? वो कह रहा था कि तुम लोग यहाँ पे दावत खाने नहीं आए हो, पालकी उठाने आए हो। चलो। नाटक के मंडप के चारों तरफ वात बिछानी होगी। शुरुआत हमने पीछे से की है, अब यहाँ वात बिछते साथी हमें वात आगे की तरफ लगानी होगी। कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। हमारा खास डेरा यही रहेगा मंडप के पीछे। यहाँ जो बारूद खेल खेलेगा, उसके बाद सतारा की तमाम फौजें इस गांव में इकट्ठा हो जाएगी, और हम मौके का फायदा उठाकर अपने बाकी साथियों के साथ सतारा में घुसेंगे। ठीक है, रुको, हम अभी आते हैं। पीठ में बहुत दर्द होगा, बात आती रह जाए तो। क्या करने वाला बुड्ढा? हम बादशाह बेगम जीनत निसा साहिबा को छोड़ने के बाद अस्तबल के पास अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे कि तभी। क्या हुआ जनाब, तस्वीर खत्म हो गई क्या? इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगी? हम जैसे इंसानों की तकदीरें खत्म हो जाती हैं, पर इन बादशाहों की तस्वीरें खत्म नहीं होती। आप कोई भी तस्वीर बनाने जाओ, आ जाता है कोई ना कोई सियासी मसला लेकर। पता नहीं कैसे कैसे खून खराबे वाली बातें सुनने को मिलती हैं। अब आप ही बताओ मियाँ, गुड़ी पाड़वा वाले दिन बादशाह क्या करने वाले हैं? हमें क्या पड़ी है? क्या होने वाला है गुड़ी पाड़वा के दिन? ये तो नहीं पता। क्या बुड्ढे के खेमे में कोई जश्न होने वाला है? आगे उन्होंने जो बोला उससे तो नहीं लगा कि कोई जश्न होने वाला है। आगे क्या बोला बुड्ढे ने? चलो। जागते रहो। कोई आ रहा है, जल्दी काली मिर्च लेकर। कमबख्त, ये क्या कर रहे हो? ये सच की काली मिर्च नहीं, बारूद है बारूद। अगर एक छोटी सी चिंगारी लग जाए तो हम सब राख हो जाएंगे। जागते रहो। ए, क्या हो रहा हुआ? बताओ क्या हो रहा हुआ? कौन है तुम? क्या हो रहा है सब? बताओ।
होने वाली है। वाद बिछा के मंडप के पीछे मिलो, इसको वहीं ठिकाने लगाएंगे। इसकी लाश इस बोरे में डालकर इस मचान पे डाल दो। आसपास कोई रहता भी नहीं दिखता, कल देखेंगे क्या करना है इसका। हमारा नाम अफजल खान है, हमसे कोई नहीं बच सकता। हम पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के मिलने के लिए अपनी बाएं फैलाएंगे और फिर जोर से उनका गला पकड़ेंगे और नहीं रे, ये पापू से नहीं हो सकता। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण पकड़ लूंगा, उनका आशीर्वाद भी ले लूंगा। नहीं, उल्टा सोच रहा है। अरे मला भक्त, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त, मन से बड़ा तन से गड़ा, भोला वाला बालक, गोल गोल घोटे हो रे बाजी। मैं अफजल खान नहीं बन सकता, मुझे तो कोई और बना दे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई मोटा घोड़ा होगा, उसका तो मुझे संवाद ही आता है। ए भक्त, मुझे अफजल खान नहीं बनना, उस बैल के संवाद तो मुझे याद ही नहीं हो रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि जो काम हाथ में लो उसे अधूरा मत छोड़ो, पूरे मन से पूरा करो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि जो काम हाथ में लो उसे अधूरा मत छोड़ो, पूरे मन से पूरा करो। पर बाजी, ये संवाद तो चिमना ने नहीं लिखे। बाजी, ये संवाद नहीं, उनके जीवन का आदर्श था। यदि तू उनका सच्चा भक्त है तो ये नाटिका बीच में नहीं छोड़ेगा। और याद रख घोटिया, अगर ये नाटिका अच्छी नहीं हुई तो गुरुजी के सामने मेरे आई का सर झुक जाएगा। तू ये चाहता है? नहीं बाजी, मैं ये चाहता हूँ कि तू अफजल खान बने, और मैं चाहता हूँ कि बालू को छत्रपति शिवाजी महाराज बनने से रोकूं। और आज हर देशभक्त के लिए एक बहुत बड़ा दिन है घोटिया, और मैं बालू जैसे गद्दार को छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करके उनकी स्मृति का अपमान नहीं करने दूंगा। चल पटकन तैयार हो, शुरू करते हैं। शिव जयंती लेकर प्रभु का नाम। महाराज प्रौढं प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतार सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराजांचा। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। Thank you.
सबने आकाश का सूर्य देखा होगा, हमने मराठियों का सूरज देखा है, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा है। हम बहुत छोटे थे, सोयराबाई साहेब के साथ खेल रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली थी और हमें कहा कि बताओ मोती किस मुट्ठी में है। हम हर बार गलत मुट्ठी पर हाथ रखते, बार बार हारने की वजह से हमारी हिम्मत टूट गई और हमने कहा कि हमें यह खेल नहीं खेलना। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमसे कहा कि हमारे स्थान पर वो खेलेंगे। सोयराबाई साहेब ने फिर से अपनी मुट्ठियां बंद की और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्होंने भी गलत मुट्ठी पर हाथ रख दिया। लेकिन अपनी हार के बाद वो हंसने लगे। हमने उनसे पूछा कि आप हार गए हैं और आप फिर भी हंस रहे हैं। तब उन्होंने हमसे कहा कि हम मात्र बाजी हारे हैं, हिम्मत नहीं। ये सुनकर हमें फिर से साहस मिला खेलने का और हमने दोबारा खेला और अब की बार हम जीत गए। खेल खेल में इन्होंने हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख दी कि हारता वही है जो दोबारा कोशिश करने की हिम्मत न रखे, और ये हम आज तक नहीं भूले हैं। हर राजा को साम्राज्य विरासत में मिलता है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजा माता के संस्कार मिले थे विरासत में। पग पग भूमि के लिए युद्ध किए, रक्त बहाया, इस मिट्टी में स्वराज उगा है, क्योंकि इस मिट्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने रक्त से सींचा है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से हम राजे को एक भेंट देना चाहते हैं। काढ़े के वैसे बड़े, हमारा अनुभव कहता है कि जो घोड़ा चाबुक की मार से आगे बढ़ता है वो चाबुक के हटते ही पीछे लौट जाता है। जो तलवार रानी साहिब दे रही है उसका रूप भवानी तलवार जैसा है, पर क्या महाराज इसका यश भवानी तलवार जितना बड़ा कर पाएंगे? ये मात्र तलवार नहीं, एक धरोहर, एक विरासत, एक परंपरा सुपोनी है। और याद रहे, इस परंपरा की धार को कभी जंग मत लगने दीजिए। इसलिए बालाजी भट्ट आपको जो भी सिखाते हैं पूरी निष्ठा से सीखिए। जल्द से जल्द धाराजी को सूचित करना होगा कि औरंगजेब गुड़ी पाड़वा में कुछ करने की योजना बना रहा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी सुना है राधाबाई ने अपने बाजी को आपकी पाठशाला से निकाल दिया है। मुझे इस विषय पर चर्चा नहीं करनी है, आप और आपके साथी व्यवस्था का जायजा लीजिए, मैं प्रसाद व्यवस्था देख कर आता हूँ।
जीवा महाला नावाचा एक न्हावी होता. अव म्हणतात ना, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा. शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती. जी साहेब. आई सबसे सयानी तो मैं हूँ, मेरी मूछ कब आएगी? इकड़े ये. बस कर लो. हम अफजल खान है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज से गले मिलने के लिए अपनी बाहें फैलाएंगे और फिर जोर से गला पकड़ेंगे. छत्रपति शिवाजी महाराज. गोटिया, गोटिया, गोटिया रोते नहीं है. गोटिया काकू, तू कलाकार है और भूमिका चाहे खलनायक की हो या नायक की, उसे मन से निभाना कलाकार का धर्म होता है. रोना एकदम बंद, बिल्कुल बंद. आई, ये गोटिया ना आज अवश्य कोई गड़बड़ करेगा. चुप बस, जा जाकर संवाद याद कर. हाँ, करता हूँ. गोटिया बाऊ, आप अपने पेट पर सारे संवाद लिख लो, नीचे देखकर बोल देना. बस. चिमना, उठो. आओ. बाजी, जब गोटिया इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं कर पा रहा तो उसे दिए क्यों? मैं अफजल खान बन सकता था. ए परशु, चल बैठ. अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने बहुत ही भारी भरकम था, तू कैसे बनता? उसके लिए गोटिया ही ठीक है. आई, सब कुछ ठीक तो होगा ना? हमारी नाटिका सफल तो होगी ना? बाजी, नाटिका सफल हुई तो सुख मिलेगा, असफल हुई तो सीख मिलेगी. कर्म कर, फल भगवान पे छोड़ दे. जब बच्चे की शिक्षा दीक्षा भगवान के भरोसे छोड़ ही दिए तो नाटिका भी भगवान के भरोसे छोड़ देना उचित ही है. भाई साहब, आपने इसे पाठशाला से निकाल कर इसका भविष्य बर्बाद कर दिया है. भाई, मैंने इसे पाठशाला से निकाला नहीं है गुरुजी, बस आपकी पाठशाला से निकाल कर अपनी पाठशाला में डाला है. वाह, पाठशाला कोई तबेला है जो मन चाहे खोल ले? जो पाठशाला में सिखाया जाता है वो एक माँ घर में कैसे सिखा सकती है? कान में तिनका, नाक में उंगली, मत कर मत कर मत कर, आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर. माओं को इसके आगे आता ही क्या है? जब इसकी शिक्षा संपन्न हो जाएगी तब सभी गांववालों के सामने मैं इसकी परीक्षा लूंगा, ताकि सबको पता चले कि एक चूल्हा चौका करने वाली गृहिणी एक विद्वान एक शास्त्री के समान शिक्षा नहीं दे सकती. देखते हैं बिना शिक्षक के बिना मार्गदर्शक के आपका बाजी कैसे नाटिका प्रस्तुत करता है. बाळू, तैयार हो जा. आई, मुझे पता है बाजी, तू मेरा मान गिरने नहीं देगा. चल भी पण हाउ, अपने बालू को रोकने के लिए सोचा क्या है? लगता है उसके लिए एक और नाटिका करनी पड़ेगी. बादशाह सलामत, खबर आई है कि हमारे सिपाहियों ने
धमाके के लिए गांव की चौपाल को चुना है, जहां गांव के बच्चे शिवाजी महाराज की जिंदगी पर एक नाटक खेलने वाले हैं। बच्चे मतलब कमबख्श, अगर ये धमाका हुआ तो बच्चों की जान जाएगी। मासूमों का खून बहेगा। तो क्या धमाके को रोक दें हुजूर? हमने ऐसा भी तो नहीं कहा। बादशाह सलामत, शाहू जी आपकी खिदमत में सलाम पेश करना चाहते हैं। शाहू जी, हम जानते थे हर बरस शिव जयंती के मौके पर शाहू जी हमारे दरबार में मिठाई लेके हाजिर हो जाते हैं और आप हर बार लेने से मना कर देते हैं। तो ये फिजूल मेहनत का सिलसिला आप रुक क्यों नहीं देते? बादशाह सलामत, मिठाई देने का सिलसिला रोका जा सकता है पर प्रसाद बांटने की परंपरा नहीं। प्रसाद सबको बांटा जाता है, खासकर दुश्मनों को। क्यों? क्योंकि प्रसाद खाने से सद्बुद्धि आती है और प्रसाद का अनादर करने से विनाश। पहली स्थिति में शत्रुता शांत हो जाती है, यानी दूसरी में स्वयं शत्रु। शाहू जी एक छोटे से पेड़े से मुगल सल्तनत को खत्म करना चाहते हैं। इस प्रसाद की शक्ति को आप नहीं जानते कमरुद्दीन खान साहब, और बादशाह सलामत बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हीं प्रसाद के टोकरों में बैठकर हमारे पिता शंभाजी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज हुजूर की कैद से निकले थे। शाहू जी, हुजूर इससे पहले कि आप हथियार निकालें, हम आपको याद दिला दें कि हम इतने बरस से आपके कैदी नहीं, आपकी ढाल भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में किया हुआ ये एक वार इस प्रसाद की शक्ति को अभी इसी पल साबित कर दे। चिंता हो रही है कि हमारी नाटिका की प्रस्तुति का क्या होगा, और इसी कारण हम अपना चित शांत करने के लिए बाहर आ गए और आपको चमत्कार की पड़ी है। अरे तेरी नाटिका की प्रस्तुति एकदम उत्तम हो, इसीलिए मैं तेरे लिए एक कांटा लेकर आया हूँ। कांटा? कैसा कांटा? ये कोई साधारण कांटा नहीं है चिमना, ये बुद्धि का कांटा है। इसे बाबा की स्मृति बढ़ाने वाली विशेष औषधि में डुबा के रखा गया था। ओ, तो यही वो कांटा है जिसके कारण आपको सारे शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं? हाँ, अभी जरा मैं तेरे दोनों गाले पर जोर से चाटा मारूंगा। क्यों भाव? ताकि तेरी मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह और तेज हो जाए, और तभी मैं तेरे दाएं हाथ की तीसरी उंगली में कांटा चुभूंगा। अरे तू सुन तो ले चिमना, थोड़ा रक्त बहेगा, थोड़ी पीड़ा होगी, पर तुझे सब कुछ याद हो जाएगा। हो भाऊ, हमें ना चाटा चाहिए ना कांटा चाहिए, हम संवाद भूल जाएंगे पर पीड़ा नहीं सहेंगे। चिमना नहीं सुनना। अरे चिमना सुन तो। तुम लोग मंच की ओर बढ़ो, मैं आता हूँ। चलो चलो। अब मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव तेज हो रहा है। आ,
बाजी इस कांटे में अवश्य कोई चाल है, बता क्या किया है तूने? सुन चालू बालू, ये बुद्धि का कांटा नहीं, ये शुद्धि का कांटा है। शुद्धि का कांटा? इससे मन शुद्ध हो जाता है और व्यक्ति अपने सारे पाप सारी गलतियाँ सबके सामने स्वीकार कर लेता है। मंजे? ये कांटा धतूरे के रस में डूबा हुआ था और जब भी धतूरे का रस किसी के शरीर में जाता है तो उसका अपने आप पर काबू नहीं होता, वो बोलना कुछ और जाएगा पर सत्य ही निकलेगा। अब तू मंच पर सब कुछ सच सच बता देगा कि तू मुगलों का साथी है, गद्दार है। दादा बाबा भाव इसका तो तांता पापा हो गया। चलो रे गुरुजी से जाके कहते हैं कि हमसे पहले बालू अपना प्रसंग प्रस्तुत करेगा। हाँ, 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 हाँ। मैं तुझे चुनौती देता हूँ बालू, मंच पर चलकर कुछ कहकर दिखा। अरे चल अरे चल कसम आलमगीर की, किसी ने उर्दू में कुछ कहा ना? ऐसा तो मुगल कहता है पर यहाँ पर मुगल आएंगे कैसे? आए भी तो प्रसाद खिला कर भेज देंगे। भाव चलो अब बालू से पहले हमारी नाटिका होएगी। हाँ। तुम लोग चलो मैं आता हूँ। ठीक है। दवाई का वक्त आ चुका है, जाके बारूद में आग लगा दो। जीवा महाला नावाचा एक न्हावी होता, अव म्हणतात ना होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। शिवबाच संगती महाला, शिवबाच संगती महाला, शिवबाच संगती महाला। राजाला पाहून खान म्हणतो कसा, आओ शिवाजी आओ हमारे गले लग जाओ आओ। पण आमचा राजा पण काय कच्चा गुरुचा चेला नव्हता, राजा थोर बात त्याची न्यारी, राजा थोर बात त्याची न्यारी। सहन चित्ताची सावध भारी, जिरा जिरा जी 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 जिरा जिरा जी जी जिरा जिरा। ले लीजिए। खाना ना काय केलं, खाना ना दगा केला राजा लाणी, ये लीजिए। अरे खाना ना दगा केला। चल इसने तो बाएं हाथ से प्रसाद लिया, ले तो लिया, हो सकता है सारा कार्य बाएं हाथ से करता हूँ। हम पहले छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए अपनी बाएं फैलाएंगे और फिर जोर से गला पकड़ेंगे और फिर जकड़ेंगे। Thank you.
अरे जीवन काका आप अब यहाँ दे, मैंने आपको देखा नहीं। काका मतलब माफ करा, मैंने आपको सोते से जगा दिया ना। काका आप तो एकदम से चुप रह रही है, सोते भी आंखें खोल के। वाह काका वाह। काका मैं तो नाटिका के पहले भाग पर ही अटक गया हूँ, दूसरे भाग में मुझे मरना है, उसकी तैयारी तो मैंने की ही नहीं। मरने का अभिनय कैसे करते हैं? सांगा ना काका। मैं भी मूर्ख हूँ, आपको भला मरने के बारे में क्या पता। जीवन काका आपकी ये जीवन भरी आंखें, ऐसे ही तो कहा था बाजी नहीं करने के लिए। हाँ आपको देख देख के सीखता हूँ, पर काका जब तक मैं सीख ना जाऊं आप कृपया पलक में झपकाना। बालू मेरी आज्ञा के बिना कैसे चला गया? क्या गुरु के आदेश का कोई मान रहा ही नहीं है? अवश्य इसमें बाजी की कोई चाल है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी नाटिका देखने के लिए और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें? तेरे बड़े प्राण निकले जा रहे हैं, थाम थोड़ा वे, चुपचाप प्रतीक्षा करो। थोड़ी ही देर में नाटिका आरंभ करवाता हूं, जाओ। क्या चल रहा गुरुजी? भाई साहब क्या किया है आपके बाजी ने बालू के साथ? अब क्या किया बाजी ने? इतनी भी भोली मत बनिए भाई साहब, कल बाजी ने बालू को नाटिका प्रस्तुत करने से मना कर दिया था और आज अंतिम समय पर वो भाग गया, ये मात्र संयोग तो नहीं हो सकता ना। मुझे एक बात बताइए गुरुजी, आप बाजी को स्वयं से अधिक प्रभावशाली मानते हैं? एक अबोध बालक और हमसे अधिक प्रभावशाली, कैसी बात कर रही है भाई साहब? बाजी तो हमारे छोटे उंगली के छोटे नाखून से भी छोटा है। तो आपका आदेश बड़ा या बाजी की शरारतें बड़ी? हमारा आदेश हिमालय के समान और बाजी की शरारतें चीटी समान। तो बताइए आपका प्रिय शिष्य बालू बाजी की शरारतों के कारण आपके आदेश का उल्लंघन कैसे करेगा? सांगा। वो भी सही है। अरे ये प्रसंग कब शुरू होगा? जनता का धैर्य समाप्त हो रहा है गुरुजी, हमें उन्हें और प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। आज इस शिव जयंती के अवसर पर हम आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस नाटिका को लिखा है चिमना ने। गुरुजी, श्रीमान चिमना जी साहेब ने। हाँ हाँ, श्रीमान चिमना जी साहेब ने। और निर्देशक है बाजी। चिमना तुम गणेश वंदना प्रारंभ करो, मैं बाजू और गोटिया को ढूंढ के लाती हूँ। हाँ
ये लड़का गांव में जाकर सबको बता देगा, हमारी मुहिम बर्बाद हो जाएगी। इसे रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। बारूद में आग क्यों नहीं लगी? हाँ, एक बच्चे को हम पे शक हो गया है और मैं जाके उसे रोकता हूँ। तुम लोग जाओ और वात में आग लगा दो, और हाँ, जैसी आग लगे मेरे को इशारा कर देना। जाओ। आदमी है कौन और इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहा है? माओ, आप मंच पे क्या कर रहे हो? हो गया, संवाद भूल गए सूत्रधार? मैं पागल हूं, मैं पागल हो गया हूं। अफजल खान की सौवा याद करके मैं पागल हो गया हूँ। इस वक्त यदि मेरे सामने कोई मुगल आ जाए तो उसकी बजिया बनाकर उसकी चंडी से मैं एक साथ खा जाऊंगा। हर एक मुगल को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, पर यहाँ कोई मुगल ही नहीं है, यहाँ मुगल मैं मर गया हूँ। तू जा मेरे बाप, जा तू। हाँ, नाटिका में आरंभ होने वाली है। ओए, अबे ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? कहीं जिस बच्चे के पीछे शमशेर भाग रहा है उसने ये लाश तो नहीं देख ली? गोटिया, तू तू कहाँ रह गया था? वो बाहर प्रहरी का संवाद सुना रहा था। बाजी कहाँ है? वो तो मंच पर होगा। हम अफजल खान हैं। और भाईजान जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी चलिए, चलो चलो। जीवन काका, अरे आसपास देखिए, शत्रु किसी भी भेष में हो सकता है। अरे वाह, फिर से घुमा के बात कही है। शत्रु कभी आलस कभी डर के भेष में होता है। इतने कम आयु में इतने उच्च विचार, वाह। अरे सर मत हिलाओ, आस पास देखो। यू, तू जीजा माता है। भाऊ, ये कौन सा समाज बोल रहे हो? बिल्ला 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 कोटिया,
सामने वो प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा जहाँ अफजल खान ने आदिलशाही दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने का बीड़ा उठाया था। कोटिया, हम अफजल खान हैं और हमने ये निश्चय किया कि हम ये बीड़ा हम नहीं उठा सकते। हमें नहीं खाना ये पान वान, ये बच्चों के लिए बुरा होता है। अगर मैंने इसे खाया तो मेरे भी दांत नीलू काके जैसे हो जाएंगे। भाव, संभालो अपने अफजल खान को। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, मगर ऐसा कुछ है। अगर सच में कोई अनिष्ट होने वाला है तो कृपा उसे रोकने में मेरी मदद कीजिए। हुजूर, बात निकल गई है, अब आग कैसे लगाएंगे? तो दूसरी बात घुमा फिरा के लगाओ और उसका होश हो किसी को दिखाई ना दे और उस पर सूखे पत्ते डाल दो और जैसे ही आग लगे मुझे इशारा कर देना। जाओ। तुम हमारे सामने मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हो पर तुम्हारे इरादे कुछ और हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहा है, जब वो कह रहे हैं तेरे इरादे गलत है तो गलत है। अपने असली इरादे बोलना जो कल से बोल रहा है। पकड़े जकड़े जकड़े पकड़। नहीं नहीं जीजा माता, हम एक नहीं करना चाहते हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण को पकड़े जकड़े जकड़े पकड़ करना चाहते हैं। हम तो उनके साथ मिलके मुगलों से लड़ना चाहते हैं। हम तो उनके भक्त हैं, मन से बड़ा शरीर से गाढ़ा, भोला भाला वाले को। अफजल खान हूँ, ये याद रखो गोटिया कि तुम अफजल खान हो। हाँ आई, अब मात्र आई ही मेरा इशारा समझ सकती है। पहले जान लो ये आग तुम इस बारूद में नहीं पूरे मुगल सल्तनत की चिता में आग लगा रहे हो। और अगर इस बारूद से हमारी माँ का सीना चल गया ना तो याद रखना यहाँ पे धुआं नहीं इस मिट्टी का अभिशाप उठेगा। और माँ का ना आशीर्वाद खाली जाता है ना अभिशाप। ऐसे क्यों भाग रहा है? तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, पहले नाटिका पूर्ण करो। अच्छी खासी लंबी है, हम यहां से सलामत निकल जाएंगे और उसके बाद ये पंडाल बूम। चलो साथियों।
भाग रहे लड़के अपनी मौत से तेज नहीं भाग पाएगा, कुछ ही पल में यह जगह बारूद से उड़ जाएगी। चलो साथियों। आशीर्वाद देते रहो, हम देखते हैं वहां क्या चल रहा है। गोटिया भाव, मेरी भाव को कुछ मत होने देना। हाँ कभी भाव, जल्दी जाओ। इशू परशू चला मजा भरो। आई तू एक काम कर, तू अंदर जाकर लोगों को बाहर निकाल। इतना समय नहीं है बाजी, जा पानी लेके आ। वो मुझे भी पता, फिर भी तो जाना। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ जाना। आई या आई लोग कुछ समझते क्यों नहीं है? पाजी हमारे पास समय नहीं है। अरे ठीक है मत जा, पर पीछे हट जा और मुंह मोड़ कर खड़े हो जा। क्या करने वाला है तू? अरे आई हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बहस मत कर। हाँ किसी भी समय भारत तक पहुँच सकती है। आई मुड़ जा। क्या करने वाला है बाजी? मेरा विश्वास कर आई, सब सही हो जाएगा। बस तू देखना मत कैसे सही हो रहा है।